सुजानगढ़ में आज सर्व समाज के आह्वान पर बाजार पूर्णतया बंद रहे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित SC ST एक्ट के विरोध में यह बंद आयोजित हुआ, जिसमें सुजानगढ़ में मेडिकल स्टोर्स तक बंद देखे गए। आवश्यक सेवाओं के भी बंद हो जाने से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बंद समर्थकों ने दोपहर में घंटाघर चौक से रैली निकाली, जो नारेबाजी करते हुए लाड़नू बस स्टेशन से होकर उपखंड कार्यालय तक पहुंची, जहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और कार्यवाहक उपखंड अधिकारी जगदीश प्रसाद महिच को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट के SC ST एक्ट को लेकर दिए गए आदेशों को वापस लागू किए जाने की मांग की गई। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा पारित नए SC ST एक्ट को वापस लिए जाने की मांग भी की गई। बंद के दौरान शहर के सभी बाजार पूर्णतया बंद रहे। शांतिपूर्ण आयोजित इस बंद में पुलिस जाप्ता व RSC के जवान जगह जगह तैनात देखे गए। आप भी देखिए क्या क्या हुआ सुजानगढ़ बंद के दौरान। डिजिटल इंडिया था ठाई को नहीं। ये SC ST कानून केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करके नया कानून पास किया है, उसके विरोध में हमने ये बाज़ार बंद किया है और ये सर्व समाज सभी व्यापारी सर्व समाज में SDM साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। ये SC ST कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भी कोई भी मुकदमा होने के बाद जांच होने के बाद गिरफ्तारी हो, लेकिन सरकार ने इस कानून को वापस सुप्रीम कोर्ट की अवेल ना करके कानून को वापस बदल दिया और तुरंत गिरफ्तारी के उसमें नया कानून बना दिया। क्या मांग है सरकार से? ये कानून वापस लिया जाए। सरकार से मांग है कि इस कानून को वापस ले, जो उन्होंने वो कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहाल किया जाए। बहाल किया जाए, गलत बनाया है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बहाल किया था वही कानून रखे। पूरे भारत के अंदर ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये आज भारत बंद का ये आह्वान किया गया है, ये इसलिए इस विषय में है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था SC ST को लेके, जिसमें ये था कि कोई भी इसमें स्वर्ण कास्ट का कोई भी व्यक्ति है उस पर कोई भी केस लगा दिया जाता है तो उसकी जांच होकर फिर उसके बाद में उस आदमी को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इस गवर्नमेंट ने वापस इसको कानून को सुप्रीम कोर्ट के कानून को उन्होंने वापस लोकसभा में पास करवा के वापस वो कानून काला कानून वापस ला दिया इन लोगों के ऊपर। स्वर्ण कास्ट इससे बहुत आहत है और इस वजह से कि इस कानून को वापस वही सुप्रीम कोर्ट का कानून यहाँ पे भारत के अंदर लागू किया जाए, ताकि किसी के ऊपर स्वर्ण के ऊपर या किसी भी कास्ट के ऊपर इस तरह की कोई भी अपमानजनक कोई भी कार्यवाही नहीं हो। क्या विरोध के अंदर आज पूरा सुजानगढ़ और पूरा सर्व समाज की तरफ से, पूरा व्यापारी समाज के संगठनों की तरफ से और सारे व्यापारी हर तबके की तरफ से पूरा सुजानगढ़ डोर टू डोर A to Z दुकानें आज सुजानगढ़ पूरा मार्केट स्वच्छा से बंद रखा गया है। दुरुपयोग मतलब दुरुपयोग है नहीं, दुरुपयोग हो रहा है, होगा, दुरुपयोग हो रहा है, और भविष्य में इसका और ज्यादा दुरुपयोग होगा। लोगों ने अपना इसको बिजनेस तक बना लिया है, लोग इसको मतलब लोगों पे केस झूठे केस डाल करके लोगों को मतलब अपमानित कर रहे हैं, उनको पैसा बर्बाद करवा रहे हैं, उनको मतलब हैरेसमेंट हो रहा है सर्व समाज का। तो हम ये चाहते हैं कि सर वो भी हमारे ही है,
लेकिन कोई भी गलत जो कानून है वो उसके आधार पर किसी को सजा ना मिले। और करीब आरटीआई से ज्ञात हुआ 45,000 लोगों को मुकदमे झूठे मुकदमे फंसाया गया, उन मुकदमों को नष्ट कर खत्म किया जाए और दोषी होने पर जांच करके ही उसको गिरफ्तार किया जाए। इस बात का सर्व समाज विरोध कर रहा है और सरकार को ये भुगतना पड़ेगा आगामी चुनाव के अंदर। उनकी बाकी सारी बातें माफ की जा सकती है, पर ये जनरल जाति जनरल कास्ट के ऊपर बड़ा बहुत बड़ा कुठाराघात है। हम आने वाले समय अपने बच्चों भविष्य के खराब खिलवाड़ नहीं कर सकते। सारा सर्व समाज साथ है और सरकार को चेतावनी है और ये तो एक झांकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है। आओ चुनाव में आपको पता चलेगा क्या होता है सर्व समाज। जिसने पार्टी को खड़ा किया उसी की जड़ें काट रही है भाजपा। भारत माता की जय। इसी के साथ दो शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ, पर उनको संभलने का मौका चाहते हैं अगर वो, तो इस कानून को वापस पुनर्जैसे सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था उसी पूर्वत उसे वैसे ही लागू किया जाए। और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चाहते, आरक्षण किसी को दो ना दो से भी कोई फर्क नहीं पड़ना, सब अपने पैरों पर खड़े हैं। पर ये जो कानून लाके उन्होंने जनजाति के साथ उठाना बात किया उसका हम कठोर विरोध करते हैं और इसकी पूर्ण रचना करते हैं।